देखिए, नेता घोषित करना, चेहरा घोषित करना, इसकी कोई सेट फिनोमेना नहीं है। पार्टी परिस्थितियों के आधार पर, परिस्थितियों के आकलन के आधार पर कई बार करती है और कई बार नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ती है और चेहरे के नाम पर मोदी जी सबसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। और 2023 में हमारे गृहमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। रही बात मुख्यमंत्रियों के दावेदारों की, तो कोई अरसा था जब लोग कहते थे बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस है। यदि आज जनता आकलन करती है, मीडिया आकलन करता है कि ये एक दर्जन उम्मीदवार हैं, तो मैं इसको खूबी मानता हूं कि हमारे पास हर फन के लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए पार्टी का संसदीय दल कॉम्पिटेंट है, वो सक्षम है, वो जिसको योग्य समझेगा। लेकिन हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। हमारा मिशन है कि 2023 में कांग्रेस मुक्त करें राजस्थान और बीजेपी युक्त करें राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बने, और बने नहीं, बनेगी। उस बहुमत की सरकार को हम लोग मोदी जी के चरणों में सौंपेंगे, जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। गुटबाजी का लेकिन नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। 12 में हमने देखा दुष्यंत सिंह जी के कार्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, ये स्थिति बन रही है। पार्टी अपना पूरा जहां जहां जिला प्रमुख बनाना है, सीट होते हुए नहीं बना पाई, ऐसी स्थिति अभी हुई। अपवाद स्वरूप 2-3 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। बूंदी में और अजमेर में हमारा बहुमत था और 12 में बहुमत था। कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं, जैसे स्मूथ रोड पे कोई ब्रेकर आता है। राजनीति में ये एक्सेप्शनल घटनाएं होती हैं, ये बीजेपी में भी संभव है, कांग्रेस में भी है। 12 की जो क्रॉस वोटिंग हुई वो भी चिंताजनक है, और सांसद के कार्यालय पर पथराव हुआ वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए मैंने 2 सक्षम लोगों को कहा है, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल और हमारे प्रदेश के महामंत्री भजनलाल शर्मा जी, उन दोनों को कहा है कि पूरी तथ्यपरक जानकारी लेकर आएं, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, और उसके आधार पर हम लोग कोई फैसला करेंगे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। मैं ज्योतिष भी नहीं हूं और मेरी अंकगणित भी ठीक नहीं है, लेकिन जितना मैं समझता हूं राजनीति को, अशोक गहलोत जी केवल एक बार उनको मैंडेट ठीक से मिला था, वरना लूली लंगड़ी सरकार चलाते हैं, जुगाड़ की सरकार चलाते हैं, जिसमें न हॉर्न होता, न लाइट होती, न ब्रेक होता, और वो बिना किसी नियंत्रण के चलती है। उसका नतीजा है कि 6-6 हाथी खा गए, 13-13 निर्दलियों की बैसाखी पर वो काबिज हैं, 99 की उनकी सीटें थी। और इतनी बड़ी बातें क्यों करते हैं, उनको थोड़ा इतिहास में झांक लेना चाहिए कि जब वो 90 के दशक के बाद उन्होंने शुरुआत की, तो 98 में, उसके बाद से जब उनकी सरकार रही है 2003 में, कभी वो 56 पर आए और कभी 21 पर सिमट गए। और 21 के बाद में जो आंकड़ा बनता है, यदि 56 और 21 को माइनस करें तो 35 सीटें होती हैं। 21 सीटों को माइनस करेंगे तो मुझे लगता है और ज़्यादा माइनस में जाएंगे, तो लगता है टेम्पो की सवारी भी इस बार नहीं बचेंगी।